कांग्रेस पार्टी द्वारा अर्णब गोस्वामी पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराया जाएगा, ये खबर आ रही है। पार्टी है कांग्रेस और बात कर रही है देशद्रोह की। क्या है पूरा मामला, मैं आप लोगों को बता दूं। मामला ये है कि मुंबई के वरिष्ठ नेता हर पुलिस थाने में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराएंगे और अर्णब की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। मुंबई कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई जगताप ने शनिवार उत्तर मध्य मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में ये घोषणा की है। जगताप ने कहा कि अर्णब गोस्वामी मुंबई पुलिस से बचने के लिए आजकल दिल्ली में रह रहे हैं। अगर मुंबई में उनके खिलाफ हर पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का केस दर्ज कराया जाएगा तो मुंबई पुलिस उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर मुंबई लाने पर मजबूर होगी। सोमवार से होगी शुरुआत। जगताप ने कहा कि अर्णब के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराने की शुरुआत वह खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद और मुंबई कांग्रेस के कार्याध्यक्ष चरणजीत सिंह सप्रा सोमवार को आज़ाद मैदान में पुलिस स्टेशन में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराएंगे। ये खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। भाई जगताप ने कहा कि अर्णब गोस्वामी ने अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए खुलेआम देश सुरक्षा की से जुड़ी खुफिया जानकारी को अपने चैनल पर उजागर किया, देश के साथ गद्दारी की, ऐसे गद्दार को माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बालाकोट पर हुए आतंकी हमले से पहले उसके जवाब में पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी स्ट्राइक से पहले ही अर्णब गोस्वामी तक कैसे पहुंची, इस बारे में मोदी सरकार ने तो अब तक कोई खुलासा नहीं किया और ना ही अर्णब के खिलाफ कोई कार्रवाई की। इस बात से सबूत है कि अर्णब और मोदी सरकार के बीच में गहरी साठगांठ है। अर्णब BJP के दलाल के रूप में काम कर रहा है। तो ये कहना है जगताप भाई का। मामला है बालाकोट स्ट्राइक जो कि हुआ पाकिस्तान में, अर्णब और मोदी जी के बीच में क्या साठगांठ है वो भी एक मुद्दा है। तो अब कल से ये कहना है कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई में देशद्रोह का मामला रजिस्टर किया जाएगा हर पुलिस स्टेशन में। फिलहाल एक खबर जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। कुछ और खबरों के साथ फिर से कुछ जुड़ूंगा। धन्यवाद।